वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा रन हो रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की क्लास रिकॉर्ड की जा रही है श्वेता के लिए, कुछ उनको हेल्थ इशू चल रहा है जिससे आज वो अटेंड नहीं कर पाई हैं। क्लास में संख्या भी कम है, प्रभात भी नहीं आए हैं। फिर भी दो मेथड हम लोगों ने सीख लिए थे, एक आयलर मेथड और दूसरा पिकार्ड मेथड। तीन मेथड सीख लिए थे, आयलर, पिकार्ड और रंगे गुट्टा मेथड, तीन मेथड। तो हम लोग बारी बारी से क्या है कि एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएं। देन आयलर्स मेथड, आयलर्स मेथड। हाँ, कोई मुझे बता सकता है इस आयलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं? मुझे जहाँ तक याद आता है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। कोई समस्या है यहाँ तक? यही फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, h आपको गिवन होगा कॉमन गैप और वन बाई वन, एक बार n की वैल्यू जीरो, फिर एक बार n की वैल्यू वन, फिर एक बार n की वैल्यू टू से प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। ठीक है, आयलर मॉडिफिकेशन मेथड शायद नहीं पढ़ाया है मैंने, आज की क्लास में उसको उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है पिकार्ड मेथड, पिकार्ड मेथड। हाँ भाई, जब पिकार्ड मेथड की हम लोग बात करते हैं तो पिकार्ड मेथड में फॉर्मूला क्या हमारे पास वेल मेंटेन होगा? मुझे जहाँ तक लगता है y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट टू x, फिर f x कॉमा वाई नॉट डी एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर फिर हाँ, ये n माइनस वन होगा, यहाँ पर n माइनस वन, अरे मतलब एक कम का अंतर चलेगा, ये चलेगा वाई एन और ये चलेगा वाई एन माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जब आउटपुट दोगे तो n की वैल्यू वन टू थ्री एंड सो ऑन। अगर हम चाहें तो n प्लस वन के लिए भी रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़िया, समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पिकार्ड मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग रंगे गुट्टा मेथड को रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। काम करते हैं, पहले रंगे गुट्टा मेथड लिख लेते हैं ना, और फिर उसके बाद इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो रंगे मेथड, तो मेथड, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रशांत से। तो बताइए प्रशांत, आखिरकार हम लोगों को क्या ही, कहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहिए रंगे गुट्टा मेथड में? के वन, ये बात एकदम सही है, के वन इक्वल्स टू फिर के वन बाई टू, के अपने पास कुछ नहीं होगा, के थ्री एच एफ, बोलो भाई, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू के फोर की वैल्यू देखते हैं, एच के कुछ नहीं होगा अपने पास, के थ्री होगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्या जनरेट होता है, वन बाई सिक्स, फिर के फोर, और इसके बाद में बिल्कुल लास्ट में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें बताते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई नॉट, और वहां से वाई नॉट को ट्रांसफर करते हुए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जनरेट कर लेते हैं। इतनी हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन एक्चुअली पुटअप किया जा रहा है कहाँ से, वो पुटअप किया जा रहा है यहाँ से, पिकार्ड मेथड से। अखंड बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, और अखंड भैया संदीप बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन आपने अटेम्प्ट किया, जो अखंड पूछ रहे हैं? नहीं, ये है, बताइए, ये चल रही है आजकल क्लास की हालत, ये है लोगों का कॉपरेशन। बताइए एक्सरसाइज 8.1 बुक रन कराई जा रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइटर हैं विनोद कुमार, एप्सिलॉन पब्लिकेशन CSJM यूनिवर्सिटी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में दो अजीबोगरीब बातें हैं। अरे भाई क्या ही हो गया भाई जिक्रा, लगातार आपको खांसी क्यों आ रही है? ठीक हो? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर नाइन,
क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या ही आएगा, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जेड। अब तुमको याद होगा जो मैंने कंपैरिजन बताया था वो बताया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, याद आया। तो यहां पर जो चलेगा वो चलेगा ऑन कंपेयरिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, क्या तुमको देखने को मिलेगा एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जेड। कोई समस्या? अच्छा, सेकेंड आउटपुट, उसमें एक सेकेंड इक्वेशन और तुमको दे दी गई है जिसमें बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है एंड डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। इसको हम फिर कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑन कंपेयरिंग, हाँ मानसी क्या कहना चाह रही है, डी डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स से कंपेयर कराएंगे और ये बना देगा एक नया फंक्शन। पहले एफ ले चुके हैं तो इस बार इसको चाहे एफ वन मान लो, इसको जी मान लेते हैं। अब ये किस फॉर्म पर चल रहा है, वाई और जेड, एक्स वाई जेड, तो इसको हमने ले लिया एक्स वाई और जेड। कोई समस्या? यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर डिपेंडेंट वाई है, यहाँ पर डिपेंडेंट जेड है, तो इससे चल रहा है कि जो पूरा फंक्शन ओवरऑल चल रहा है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म पर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको फिर जेड के साथ में कंपेयर कराएंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको क्या देखने को मिलेगी, जेड, ये जेड चल रहा है भाई, टू नहीं, समझ लेना। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ और भी आपको गिवन किया जा रहा है ऑल्सो, हाँ क्या गिवन किया जा रहा है, क्या गिवन किया जा रहा है भैया, बोलो कुछ उसमें कंडीशंस दी गई हैं नहीं दी गई हैं। तुम लोग आज सो रहे हो क्या, क्या ही दिक्कत है भाई, किसी को कोई समस्या है क्या? ये भैया पीछे ही ने पास कर दो, इनको खांसी बहुत आ रही है। अब खांसना वांसना नहीं, आगे देखते हैं। ऑल्सो, हाँ ऑल्सो में क्या चीज मेंशन की जा रही है, बोलो, वाई इक्वल्स टू वन, जेड इक्वल्स टू वन बाई टू, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से लिख दिया जाए और इसको वाई नॉट और जेड नॉट कुल मिलाकर के अगर हम इसको दैट इज करके लिखना चाहें तो ये पता चल रहा है कि वाई नॉट की वैल्यू वन चल रही है एंड जेड नॉट की वैल्यू वन बाई टू चल रही है। आगे बढ़ा जाए तो शुरू करते हैं भाई। पिकार्ड मेथड का हमारे पास फॉर्मूला रहा, वी नो क्या जानते हैं पिकार्ड मेथड में, वाई एन इक्वल्स टू एक्स नॉट टू एक्स, फिर एफ एक्स नॉट वाई नॉट पावर पे चल रहा है। तो देखो अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोग ये मेंशन कर रहे थे, ठीक है, जब दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, अब कितने हो गए हैं, तीन हो गए हैं। लिमिट किसके लिए चल रही है, एक्स के लिए चल रही है, इसलिए एक्स को एज इट इज रखोगे और जो जेड वाला है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व कराया जाएगा। नहीं मेरी बात समझे, मेरी बात समझ पाए, ठीक है। ये जो रिजल्ट मेंटेन होगा ये किसके लिए मेंटेन होगा, वाई के लिए। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दो है, एक वाई वाला ये रहा और दूसरा वाला ये क्या बोलते हैं जेड वाला ये रहा। आगे बढ़ा जाए, ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, डी वाई बाई डी जेड नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से देखो जब जेड की बात करेंगे तो आउटपुट क्या बनेगा, जब वाई था तो वाई नॉट, तो जब जेड होगा तो जेड नॉट, लिमिट अभी भी यही चलेगी लेकिन यहाँ पर फंक्शन इस बार क्या होगा, बदल जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्या हो गया, सभी लोग स्वास्थ्य का खास ख्याल रखेंगे। अभी अभी एक कैंडिडेट अपनी क्लास छोड़ करके चला गया है, चलिए उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर हो जाएगी। हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू हम क्या पुट करने जा रहे हैं, n की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं वन, क्या पुट करने जा रहे हैं वन पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने वन पुट किया तो ये हमको देखने को मिलेगा वाई वन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बना देता है वाई नॉट प्लस, यहाँ से आपको देखने को मिलता है एक्स नॉट टू एक्स, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है एफ एक्स, यहाँ से वाई नॉट और यहाँ से जेड नॉट,
कोई समस्या, ये इसको कुछ इस पैटर्न पर रख देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं है। इसको कुछ इस पैटर्न पर रख दिया जाए तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ से देखने को मिलता है ये वाई वन अपनी जगह पर रहेगा, ये जो वाई नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवेन है वन कर दी जाती है, यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू क्या है जीरो टू एक्स। यहाँ से देखो भैया ये एफ अपनी जगह पर रहेगा, एफ क्या अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला आउटपुट आकर के यहाँ रखो एफ एक्स वाई जेड के अंदर। तो हमें रखना क्या है वाई नॉट जेड नॉट। तो जब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है केवल जेड के फॉर्म पर है, तो जब रिप्लेसमेंट दोगे वहां से तो इसमें केवल जेड के अंदर रिप्लेसमेंट होगा जा करके, ये आउटपुट तुमको क्या देगा केवल जेड नॉट देगा, नहीं मेरी बात समझे। तो यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं जेड नॉट, एक स्टेप से बढ़ा दिया है, इसकी जरूरत थी नहीं। जेड नॉट की वैल्यू देखो है हमारे पास वन बाई टू, तो जब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो वन अपॉन टू एक्स लिखा जा सकता है, कोई समस्या। डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग कॉन्स्टेंट नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया। यहां से सेकेंड आउटपुट जनरेट कर रहे हैं किसके लिए, जेड जेड के लिए। वैल्यूज को फिर पुट करेंगे जेड वन जेड नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स फिर जी एक्स वाई नॉट जेड नॉट साथ में डी एक्स। समझने का प्रयास करेंगे जेड नॉट की वैल्यू देखो है हमारे पास क्या है वन अपॉन टू प्लस एक्स नॉट टू एक्स, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है जीरो, यहां से चलेगा एक्स। ये वाला फंक्शन देखना जी वाला जो फंक्शन हमारे पास गिवेन है वो कहां गिवेन है, ओ नो यहां कहां ग्रीन वाला है, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन, रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, जब रिप्लेसमेंट देंगे तो एक्स वाला अपनी जगह पर रहेगा और ये जो वाई और जेड है इनका रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा वाई नॉट और जेड नॉट से, तो एक्स क्यूब वाई नॉट प्लस जेड नॉट। अच्छा वाई नॉट की भी वैल्यू हमारे पास गिवेन है, जेड नॉट की भी वैल्यू हमारे पास गिवेन है, तो जो वाई नॉट की वैल्यू जनरेट होगी वो क्या जनरेट हो जाएगी वन, और जेड नॉट की वैल्यू वन बाई टू, तो दोनों को ऐड कर दिया तो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू हो जाता है बाहर, यहां से जब इंटीग्रेट किया तो वन अपॉन फोर एक्स टू द पावर फोर, यानी वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन एट एक्स टू द पावर फोर। ये क्या है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जनरेट हुआ है। आगे बढ़ा जाए, कुछ टैली हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे इसके अटेम्प्ट ले पाओगे या बताएं, अब इसमें कुछ नहीं कर बता दें, अरे बता दें पूरा बता दीजिए आप। अच्छा चलिए, अच्छा भाई समझने का प्रयास करते हैं भाई। देखिए कृतिका लास्ट क्लास में थी नहीं और अब ये जिद कर रही है कि भाई पूरा बता दिया जाए, तो इस दौरान हमको क्या करना चाहिए बताइए प्रशांत। आगे देखते हैं, यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी फॉर्मूले के अंदर इसको हमने ले लिया स्टार पॉइंट पर, इसको हमने ले लिया है डबल स्टार पर, ठीक है। तो ये वाला जो रिजल्ट मेंटेन हो रहा है ये किसकी मदद से मेंटेन हो रहा है, यूजिंग स्टार किसके लिए, फॉर एन इक्वल्स टू वन के लिए, ठीक। ये वाला किसके लिए मेंटेन हुआ है, यूजिंग डबल स्टार फॉर एन इक्वल्स टू वन के लिए, वन के लिए। एक बार वाई के लिए चलेंगे, एक बार जेड के लिए चलेंगे। अब यहाँ से फिर देखेंगे किधर पे बताएं यार, जगह ही नहीं है। यहाँ से देखो इधर से ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसी जगह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से फिर लिखेंगे यूजिंग स्टार फॉर एन इक्वल्स टू टू, जैसे एन इक्वल्स टू टू को हम पुट करेंगे, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स, यहाँ से आ जाता है एफ, ये आएगा एक्स, ये आ जाता है वाई वन और ये आ जाता है जेड वन। क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाई। अब बताइए क्या क्या वैल्यूज रखेंगे, y नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ से आउटपुट देखने को मिलता है 0 टू x, ये जो फंक्शन चल रहा है इस पे क्या रखेंगे, ये है वो f है तो ये भी f है, वहां पर क्या चलेगा z1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा z1 हो जाएगा। Z1 का आउटपुट देखो हमारे पास आ चुका है, ये आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या रखना है 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 8 एक्स टू दी पावर 4 साथ में dx, बड़े हो गए हो इसलिए सीधे इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 3 अपॉन ये 40 बना देगा x टू दी पावर 5, कोई समस्या। ये किसकी वैल्यू आई है, y2 की वैल्यू आई है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y के लिए जनरेट हुआ तो फिर z के लिए भी बनता है कि नहीं बनता है, बताइए भाई अनूप क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, यूजिंग
डबल स्टार फॉर एन इक्वल्स टू थ्री, एन इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू टू। बताइए भाई संदीप फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब है, Z2 बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है। प्लस का X0 टू, सीधे लिख दें 0 टू X, यहाँ से बनेगा G, यहाँ से बनेगा X, ये बनेगा Y1 और ये बनेगा Z1, ये बनेगा DX। कोई समस्या? Z0 की वैल्यू अपने पास है या नहीं है? Z0 की वैल्यू ये रही 1 बाई टू। तो इस हिस्से को हम लोग देखना चाहेंगे इधर इस ब्लॉक में, समझने का प्रयास करना, मिक्सअप नहीं कर देना। ये देखो ये जनरेट कर देता है सेकंड अप्रोक्सीमेशन फॉर z, z नॉट की वैल्यू जनरेट हो रही है 1 अपॉन 2 प्लस, इसको क्या सीधे इंटीग्रेट किया जा सकता है? गुड, सीधे शायद नहीं हो पाएगा, कुछ स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। देखो g वाला जो फंक्शन रहा वो ये रहा, अब जब g वाला जो फंक्शन है इसमें x तो अपनी जगह पर रहेगा तो x क्यूब ही रहेगा। ये देखो x क्यूब आ गया, x क्यूब ये आया, अब यहां पर बनेगा y1 और y1 की वैल्यू अपने पास क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन 2x और फिर बन जाता है क्या z1, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये देखिए कितना बढ़िया ने बताया कि सर ये ग्रीन से लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए ये है भैया यहाँ से z1 की वैल्यू, इसको उठा करके फिर रखते हैं तो यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा 1 अपॉन 2 फिर प्लस का 3 अपॉन 8 x टू द पावर 4 और साथ में dx, 1 अपॉन 2 अपनी जगह पर रहेगा, 1 बाई 2 और ये मिलकर के कितना बना देता है 3 बाई 2, 3 बाई 2 का x क्यूब से हो गया मल्टीप्लाई तो x क्यूब 3 बाई 2 और फिर हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट तो 3 अपॉन 8 x टू द पावर 4। हाई स्पीड कैलकुलेशन है भैया, समझते रही ना, 3 अपॉन 8 x टू द पावर 4, समझ रही है कृतिका? हाई स्पीड कैलकुलेशन चल रहा है। यहां से x ये आया 1 1 बटे 10 आ जाएगा, अरे भावुक हो रहे हो, 1 बटे 8 आएगा, x क्यूब का मल्टीप्लाई कराया इससे 4, ठीक कहते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत तेज है भाई। यहाँ पे जनरेट होगा 1 अपॉन 10 x टू द पावर 5 और फिर इसको हमने ऑपरेट करा तो 4 3 7 7 1 8 8 64 यानी 3 3 अपॉन 64, जो भी भाई इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्र हैं वो लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 64 और यहाँ से x टू द पावर 8, x टू दी पावर 8 डेड हो गया। ये किसका आउटपुट निकला हुआ है? z2 का। कहां तक जनरेट करवा रहा है? 4 तक। तो देखो z2 वाला और y2 और z2 मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? 3 तक है। तो अब तीसरे वाले को अडैप्ट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? बताइए भाई अभिनंदन, क्या करना होगा थर्ड वाले पार्ट के लिए? यही करना होगा, मतलब क्या? कुछ एल्गो मुझे सुना दो तो मुझे समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, n इक्वल्स टू 3 रखेंगे बाबू अभिषेक, कहां कहां पर रखेंगे? स्टार में और डबल स्टार में। और जब वहां पर जनरेट होगा वाई टू तो वाई टू की वैल्यू कहां से निकालोगे? गुड, निकाल चुके हैं। और जेड टू वो भी निकाल चुके हैं, सारी वैल्यू उसको पुट कर देंगे, आउटपुट फिर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या? पढ़ा जाए आगे, ठीक है, इसको तत्काल नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। याद रखना ये प्रॉब्लम यहाँ पर डेड नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डू योर सेल्फ, स्वयं से करें, ठीक, फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। तो भैया संदीप आयलर फॉर्मूला मुझे जल्दी सुनाओ, आयलर फॉर्मूला क्या है? अरे 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 हाँ हाँ क्या है? हाँ हाँ अरे 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 गलत बात है, अरे बात होगी फेस टू फेस यार, तुम्हारी आंखें इधर उधर इधर उधर, ये सब क्या ही कर रहे हो? अरे 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 बताइए कितनी गलत बात है, एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं याद किया है, कैसे ही बात बनेगी? मैं जानना चाहता हूँ कि बात कैसे ही बनेगी। हाँ पिकार्ड मेथड से सुना दो, पिकार्ड याद किया था, हाँ बताओ। सही है, बढ़िया। पिकार्ड मेथड को कब रोकते हैं? सही है, कम से कम 3 अप्रोक्सीमेशन तक जनरेट करना होगा, ठीक है। 3 हमारे पास फॉर्मूलाज ये हैं, एक आयलर मेथड है, दूसरा हम लोगों ने सीखा पिकार्ड मेथड, तीसरा सीखा रंगे कुट्टा मेथड। 2 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिकार्ड और दूसरा रंगे कुट्टा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इन्हीं दोनों के पास होती है, ठीक है। एक इसी में नहीं बताया था जो कि अब हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आयलर मॉडिफाइड आयलर मेथड, ठीक है। क्या नाम है? मॉडिफाइड आयलर मेथड। तो इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे, मॉडिफाइड आयलर मेथड,
आइलेट मेथड। देखो बुक से ये फॉर्मूला है अलग, और हम लोग एक एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे इस दौरान, और तुम देखोगे कि वो फॉर्मूला अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इसको कंप्रेस करके मैंने अपनी शीट में मेंशन किया हुआ है, तो मैं वो शीट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसी को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी आगे कर पाओगे, याद ही नहीं होगा तो कर क्या पाओगे। तो आउटपुट में तुमको देखने को मिलता है बिल्कुल जहाँ लिखा है इन जनरल, इन जनरल शीट में देखो पिकार्ड के ऊपर कहीं दिख रहा है इन जनरल क्या है, वाई एन प्लस वन, क्या लिखा गया है वाई एन प्लस वन पावर पे एम प्लस वन इसकस टू, क्या देखने को मिलता है वाई नॉट वाई एन प्लस एच बाई टू, वाई एन प्लस एच बाई टू आफ्टर देन एफ एफ एक्स एन एक्स एन गड़बड़ाए, ये बनेगा एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस, फिर आपको देखने को मिलेगा एफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन टू दी पावर एम। कोई समस्या? अब ये देखो शीट में मैंने कुछ और भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसमें हमें करना है क्या, पहले तो ये समझो ये फॉर्मूला काफी हद तक टैली होता है किससे, आयलर फॉर्मूला से। रीजन क्योंकि ये आयलर का ही मॉडिफाइड मेथड है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया कि जो वाई वाई वन नॉट जनरेट होगा वो वाई वन नॉट एक्चुअली फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा किसका, आयलर मेथड से, ठीक है, शुरुआत आयलर मेथड से ही होती है। यहाँ पर तुमको बताया जा रहा है, बगल में देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा गया है, उस दौरान तुमको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब इनिशियली इनिशियली क्या करना है, जब एन इक्वल्स टू जीरो पुट करना है, एन इक्वल्स टू जीरो, देखो वहाँ इम्प्लाइज करके मैंने बताया है कि एम इक्वल्स टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, नहीं मेरी बात समझे, एक बार एन की वैल्यू को जीरो पुट किया और जैसे ही जीरो पुट करोगे तो ये वाई वन के लिए फॉर्मूला मेंटेन होने लगेगा। अब जैसे ही एन को जीरो किया तो ये एक्सप्रेशन जाएगा वाई वन एम प्लस वन देन वाई वन प्लस एच बाई टू एफ एक्स वन कॉमा वाई वन, और फिर आ जाएगा प्लस एफ एक्स वन, एन की वैल्यू जीरो तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, फिर जाता है एक्स वन कॉमा y1 m। कोई समस्या? ये जो है ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जा रहा है, और अब इस दौरान तुमको m की वैल्यूज बारी बारी से 0 1 2 3 अप पुट करोगे, ये तब तक m की वैल्यूज को पुट करते रहोगे जब तक कि तुम्हारे एटलीस्ट दो अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते हैं, डेसिमल के बाद दो तीन अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते हैं, तब तक क्या करते रहोगे रन कराते रहोगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जैसे ही मान लो दो अप्रोक्सीमेशन हमारे सेम आते हैं, प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस रुकेगा ये किसके लिए रुकेगा, n इक्वल्स टू जीरो के लिए रुकेगा, फिर प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इस बार जो प्रक्रिया चलेगी वो n इक्वल्स टू वन के लिए चलेगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? n इक्वल्स टू वन रखोगे एक्सप्रेशन के अंदर, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ इसी फॉर्म पर आएगा, m के फॉर्म पर, n की वैल्यूज को फिर शुरू करोगे 0 1 2 3 4, तब तक रन कराते जाओगे जब तक कि दो अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते हैं। जैसे ही सेम आएंगे प्रोसेस को फिर स्टॉप करोगे। इस बार फिर जब नेक्स्ट के लिए रन कराएंगे तो किसके लिए रन कराएंगे, n इक्वल्स टू 3 के लिए, सही है। जैसे n इक्वल्स टू 3 रखेंगे पूरा एक्सप्रेशन जो सुपर स्क्रिप्ट है वो m के फॉर्म पर आ जाएगी, m की वैल्यूज फिर हम क्या रखना शुरू करेंगे 0 1 2 3, कब तक रखते जाएंगे, दो अप्रोक्सीमेशन, कम से कम दो अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाए। जैसे दो अप्रोक्सीमेशन सेम आते हैं उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा n इक्वल्स टू 4 के लिए, समझ गए। तो बुक में ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की, तो कंप्रेस करके मैं इस फॉर्मेट पर ले आया हूँ, और अभी आपको शीट में देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पर बाकायदे मैंने मेंटेन किया हुआ है कि किस तरीके से इसको आगे अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसका जो एक पॉपुलर क्वेश्चन है वो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर टू है, पेज नंबर 202 पर, पेज नंबर 202 एग्जाम्पल नंबर टू, पेज नंबर 202 एग्जाम्पल नंबर टू, दिखा पढ़ा जाए आगे, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने चल रहा है dy by dx इक्वल 1 प्लस x प्लस अंडर रूट y, मॉड ऐसे बेवकूफ बना रहा है यार, रूट से जो भी वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव ही होती है, कभी निगेटिव हो पाएगी, अननेसेसरी बातें वहां पर लिखी गई है। बात समझे कि नहीं समझे? फिर देखो वहां से क्या बात पता चल रही है, और कुछ दिया गया है, कंडीशन दी गई है y0 पर 1, y0 पर 1, हर बार की तरह सॉल्यूशन फिर उसी तरह से स्टार्ट करते हैं जैसे हर पार्ट में स्टार्ट करते हैं, चाहे ये मेथड हो चाहे ये हो चाहे ये हो और चाहे ये हो, हर एक में तुम्हारा कंपैरिजन जो होगा वो किसके साथ में होगा,
डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इसकस टू एफ एक्स कॉमा वाई के साथ में होगा। यहां से पता चल जाता है कि एक्स कॉमा वाई की वैल्यू अपने पास क्या जनरेट हो रही है, एक्स प्लस अंडर रूट वाई जनरेट हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत? इसका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जाकर जब शीट में देखोगे तो शीट में देखो वहां पर स्टेप वाइज मैंने बताया हुआ है y1 उसमें देखो यहाँ कहीं देखने को मिल रहा होगा वेयर वेयर वाई वन नॉट इज द वैल्यू ऑफ वाई वन ऑप्टेंड बाई आयलर मैथड। दिख रहा है? दिख गया? आयलर मैथड देखो हमारे पास मेंटेन है, दिख रहा है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन इसकस टू जीरो पुट करेंगे। जैसे एन इसकस टू जीरो पुट किया तो हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, वाई वन इसकस टू वाई नॉट प्लस एच एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। यहां से y0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 प्लस h की वैल्यू 0.2 और फिर fx0 y0 फंक्शन ये रहा, फंक्शन ये रहा, x0 0 आ जाएगा। तो यहां से आउटपुट क्या देखने को मिलता है 1.2। ये क्या जनरेट हुआ है, फर्स्ट यानी y1। अब वो जो बता रहा है कि y1 नॉट है वो एक्चुअल में वही y1 होगा, यानी आयलर ये मॉडिफाइड आयलर मेथड जो है वो उसकी स्टार्टिंग आयलर मेथड से ही होती है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दोनों का सेम ही जाता है। देखो देखने को मिल रहा है ना, इन जनरल के ठीक ऊपर देखो देखने को मिल रहा होगा वाई वन जो है इज द वैल्यू ऑफ वाई वन, वाई वन नॉट दिखा वाई वन। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए सॉल्व कर रहे थे। एन इक्वल्स टू जीरो भी पुट कर दिया है तो ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन होगा इसको हम क्या नाम देंगे, दिस दिस। कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट वही है जो अभी हम लोग यहाँ से लेकर के आए हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वही चीज वहां पर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे तो जब m की वैल्यू 1 पुट किया तो m की वैल्यू 1 पुट कर देने पर ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम 1 से बता रहे हैं, अपने फॉर्मूले से बता रहे हैं, ठीक है। m की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं ये 1 हो जाएगा, ये वाला y1 रहेगा। तो ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा y1 इसकस टू y1 प्लस h बाई टू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस फिर क्या देखने को मिलेगा एफ एक्स वन कॉमा वाई वन और फिर m इसकस टू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, m की वैल्यू को 0 ले रहे हैं, m की वैल्यू को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ये वाला जो आउटपुट चल रहा है इस आउटपुट को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो y1 की जो वैल्यू चलेगी वो वैल्यू अभी जो हमने निकाला है ये वाला जो वैल्यू चल रहा था y1 1.2। कोई समस्या? ये वाला वैल्यू आएगा 1.2, ध्यान देते रहना भैया इस जगह पर y1 आ जाएगा 1.2। h की वैल्यू कितनी है 0.2 होल अपॉन 2, एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। h की वैल्यू यहां से एफ एक्स वन कॉमा वाई वन नॉट, एक्स वन यहां रखोगे x1 तो x1 ठीक है। x1 के लिए बच्चा फॉर्मूला बता देते हैं, एक्स नॉट प्लस एच होता है, याद आया? तो xn के लिए जब जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो एक्स नॉट प्लस nh जनरेट होगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना। हालांकि इसमें एक्स नॉट ऑलरेडी 0 दे रखा है इसलिए यहाँ पर जो x1 जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा 0.2। अच्छा यहाँ से जनरेट होगा अंडर रूट y1 नॉट है, y1 नॉट की वैल्यू क्या आई है 1.2, तो जैसे ही रखोगे तो क्या देखने को मिलेगा प्लस का अंडर रूट 1.2। कोई समस्या? सही चल रहा है। अभी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, वैल्यूज को रख के बताओ इसमें आंसर आउटपुट क्या जनरेट होगा, क्या है 2295। पहले तो ये बताओ ये वाला अप्रोक्सीमेशन पूरा क्लियर कट समझ आया इतना कि नहीं आया? हाँ अखंड बोलो, हाँ बोलो, किस पॉइंट से दिक्कत हुई है ये मुझे बताओ। सबसे पहले वाले में ये वाला जो है ये आयलर मॉडिफिकेशन मेथड लगाया गया, पूरा वही चलेगा, ये पूरा यहाँ से उचाड़ोगे ला करके यहाँ चपका दोगे, उसके बाद फिर ये वाला स्टार्ट करोगे। हाँ वैल्यू मतलब ये वाला भैया इसके अंदर जैसे एम एक्स टू जीरो रखा तो ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन होगा इसी की बात की जा रही है कि ये वाला अप्रोक्सीमेशन असल में जनरेट होगा आयलर मेथड से। तो आयलर मेथड यहां पर जब आए तो वाई वन नॉट की वैल्यू चाहिए तो यही बदलेगा किसमें, वाई वन नॉट में।
शीट में देखोगे उसमें भी जहां पर लिखा है इन जनरल, उसके ऊपर देखो वेयर में वाई वन नॉट तुमको बताया गया है, देखो देखने को मिला जहां पर बताया है वाई वन नॉट, वाई वन नॉट इज द वैल्यू ऑफ वाई वन ऑप्टेंड बाई आयलर्स मेथड। नहीं क्लियर हुआ? ठीक बोलो भैया, अखंड जल्दी से तत्काल, अच्छे से क्लियर है? अभी भी कुछ पूछना हो तो जल्दी से बोलो, आगे बढ़ा जाए। यहां पर n इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हैं तो यहां पर y जीरो जाएगा, यहां पर क्या जाएगा y जीरो जाएगा। n को जब जीरो पुट करोगे तो ये, और कहीं तो दिक्कत नहीं है, तो यहां पर जब पुट करोगे तो y नॉट आएगा, y नॉट की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो यहाँ 1.2 कैसे आएगा यार, y नॉट की वैल्यू वन जनरेट होगी। बढ़ा जाए आगे। हाँ हाँ यही तो चमत्कारी भैया, देख करके कोई नहीं बताएगा, ठीक है सभी लोग? हाँ तो लेकिन देख करके नहीं बताओगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है आगे बढ़ा जाए। ये स्टेप पूरा क्लियर हुआ? ये जो अभी चला है ये एम स्क्वायर टू किसके लिए रन कराया है, जीरो के लिए रन कराया है। फॉर्मूला अभी भी यही चलेगा और ये तब तक रन कराते रहोगे जब तक कि हमारे पास कम से कम दो अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते हैं। ठीक है भैया अनूप, यहाँ से हम क्या पुट करने जा रहे हैं, एम की वैल्यू वन पुट करने जा रहे हैं। जैसे वन पुट करोगे तो ये वाला तो अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा टू, ये वाई नॉट अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ से 1/2 × 0.2, यहाँ से इन साइड द ब्रेसेस ये क्या जनरेट होगा एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, प्लस यहाँ से क्या जनरेट होगा एफ एक्स वन और कॉमा वाई वन। हाँ ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है? बताइए भाई अखंड, इस स्टेप को कहाँ से गेन करेंगे, इसी में एम की वैल्यू क्या पुट करोगे वन, और एम इक्वल्स टू जीरो के लिए फॉर्मूला कहाँ मेंटेन है, यहाँ मेंटेन है। अभी भी नहीं समझे भैया? नहीं समझे? कहाँ से नहीं समझे? देखो एक बार ये जो फॉर्मूला है ये एकदम कंप्रेस करके मैंने बताया हुआ है आपको, इसमें सबसे पहले क्या करना है एन की वैल्यू को जीरो रखना है। एन की वैल्यू को जैसे इस फॉर्मूले में जीरो रखोगे वैसे फॉर्मूला ये देखने को मिलेगा। इसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ये देखो दिस इम्प्लाइज करके है, मतलब ये है कि एन इक्वल्स टू जीरो पुट कर देने के बाद अब आपको क्या करना है बारी बारी से एम की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फुट पुट करते चले जाना है इसी में, और ये तब तक पुट करोगे जब तक कि कम से कम दो अप्रोक्सीमेशन कैसे नहीं हो जाते हैं, सेम नहीं हो जाते हैं। हाँ अभी अभी मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ कहाँ पर, यहाँ पर, जब यहाँ पर अभी हमने एन इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो यही अभी रहेगा, इसी में बारी बारी से रख रहे हैं एम इक्वल्स टू जीरो वन टू, तो ये वाला फॉर्मूला यही रहेगा। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए भैया आगे। ठीक है मैं समझ गया, मैं यही तो शुरुआत में बता रहा था, पहले एक बार एनएसकस टू जीरो के लिए कम से कम तीन चार निकालने पड़ेंगे एम की वैल्यूज पर, फिर एनएसकस टू वन के लिए कम से कम तीन चार निकालने पड़ेंगे एम की वैल्यूज के लिए, फिर एनएसकस टू टू के लिए कम से कम तीन चार निकालने पड़ेंगे एम की वैल्यूज के लिए। अब मेरी बात समझे? अभी ये क्लियर नहीं है कि पेपर ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, जल्द ही यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी तब फिर क्लियर होगा। हाँ बोलो, नहीं तो यहाँ से पूछा नहीं जाएगा फिर तुमसे, ऐसे कहेगा कि ये एन इक्वल्स टू टू के लिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन। हाँ मैंने इसीलिए इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बच्चों को जल्दी याद नहीं होता, इसीलिए जनता पार्टी के लिए मैंने इस फॉर्मूले को कंप्रेस करके अथक प्रयासों के बाद में, भैया प्रशांत कितने प्रयासों के बाद में, अथक प्रयासों के बाद में ये जो है ये फॉर्मूला मैं एक स्टेप में ला पाया हूँ, एक स्टेप में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? वरना बुक में देखोगे तो बुक में देख रहे हो एक पेज से ज़्यादा का सलूशन है, देख लीजिए आप लगभग डेढ़ पेज का सलूशन चल रहा है। आगे बढ़ा जाए, जब यहाँ पर अब कॉपरेट करेंगे, अब क्या करेंगे, अब मुझे करेंगे कॉपरेट। हाँ यहाँ से वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं, वाई वन टू, वाई नॉट की वैल्यू क्या है वन है, यहाँ से 1/2 0.2, प्लीज सलूशन नहीं देखना और कैलकुलेटर उठा करके जरा कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को कैलकुलेट करो। एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू अपने पास वन जनरेट हो जाएगी, प्लस ये वाला जो आउटपुट तुमको देखने को मिल रहा है ये वाला, इसमें एक्स वन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स वन की तो वैल्यू यहीं से जनरेट होगी यानी 0.2 आ जाएगा, और ये वाला जो चल रहा है रूट वाई, इसमें वाई वन की वैल्यू क्या आई है ये, तो मतलब यहाँ से जनरेट होगा 0.2 प्लस √1.2295। नहीं क्लियर हुआ? अब बताओ इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए,
कोई नहीं, 1.2308 आगे भी कुछ है? तो जैसे 8282 चल रहा है ना, तो 8 को राउंड ऑफ करोगे और यहाँ पर बताओगे 1.2309, नहीं समझे, वरना लास्ट में फिर दिक्कत होगी। आगे बढ़ा जाएं, ये जो वैल्यू जनरेट हुई है, वैल्यू किसकी जनरेट हुई है? ये वैल्यू जनरेट हुई है Y12 की। अब हमको क्या करना है, अब हम भैया हमको क्या करना है, हाँ M की वैल्यू इस बार कितनी पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। किसके अंदर पुट करेंगे? इसके अंदर, नीचे वाले में, ग्रीन वाले में, ठीक है। यहाँ से फिर पुट कर रहे हैं, क्या देखने को मिलेगा, Y3 = Y0 + 1/2H (inside the braces f(x0, y0) फिर प्लस f(x1, साथ में Y12। यहां से देखो ये 1 रहेगा, ये 1/2 0.2 रहेगा, f(x0, y0) की वैल्यू 1 रहेगी। यहां से ये 0.2 बनाता है, प्लस यहां से जो वैल्यू जनरेट हुई है इसी का तो हमें रूट ले लेना है, यानी यहां से 1.2309। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ, इसको सिंप्लीफाई करके बोलो क्या मिल रहा है। 1. अरे तो आप सॉल्व नहीं कर रही हैं क्या? अरे गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। हाँ सभी लोग प्रयास जारी रखेंगे। अरे आप नोट कर रही हैं, मुझे लगा आप कैलकुलेटर चला रही हैं। अरे भाई कीर्ति बहुत गलत बात है, अगर क्लास में कोई मुझे कॉपरेट ही नहीं करेगा तो बताइए मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये है कॉपरेट करने वाले स्टूडेंट। 1.2309 देखो, दो अप्रोक्सीमेशन सेम हो गए हैं, स्टॉप कर देंगे इसी जगह पर। इसी जगह पर प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को फिर मेंटेन करेंगे, इसी फॉर्मूले को। इस बार n की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पर 1 रखेंगे। जब यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या जनरेट होगा? 1 जनरेट होगा। यहाँ से क्या जनरेट होगा? 1 जनरेट होगा। यहाँ से भी क्या जनरेट होगा? 1 जनरेट होगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2। अब ये पूरा एक्सप्रेशन m के फॉर्म पर आ चुका है। अब m की वैल्यू फिर क्या करना शुरू करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 फिर रखना शुरू करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कहाँ तक रखते जाएंगे? दो अप्रोक्सीमेशन देखो, इधर से सेम निकले हैं, ऐसे दो अप्रोक्सीमेशन फिर सेम निकलेंगे। फिर क्या करेंगे? रेंज दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 0.6 तक। तो एक बार जब अप्लाई करेंगे तो 0.2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, 0.6 कॉमन गैप कितना दे रहा है? 0.2 दे रहा है। मतलब 0 ये है तो पहले में 0.2 फर्स्ट स्टेप में, यानी कि 0.2 कवर कर चुके हैं। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड वाले में कहाँ तक पहुँच जाएंगे? और फिर थर्ड वाले में प्रोसेस क्या कर दिया जाएगा? स्टॉप कर दिया जाएगा। नहीं, मेरी बात समझे? समझ गए? कोई समस्या? अब बोलो इसको अटेम्प्ट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? यही है मॉडिफाइड आयलर मेथड। फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होगा, रेंज आपको हमेशा देगा, वरना फिर ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, वरना वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हें देगा। ठीक है, तो फिर अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल 4 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। 4 मेथड बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आज की ही क्लास में हम लोग इन सारे फॉर्मुलास को याद करने का कोशिश करेंगे। कृतिका ने मुझे फॉर्मुला याद करके सुना दिया है। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, लास्ट क्लास में ये अब्सेंट थी, इनके पास एक भी फॉर्मुला नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लास में बैठे बैठे क्या किया, सारे फॉर्मुले याद किए। तो भैया मानसी आयलर फॉर्मुला सुनाइए। हाँ सही है, अखंड मॉडिफाइड आयलर मेथड। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात हो गई यहाँ? हाँ हाँ, अरे भाई वो हमारी तरफ देखेगा, तुम लोग की तरफ देखेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ h/2 हाँ Yn+1 to the power n सही है। बताइए भाई क्या बोलते हैं अनूप, आप मुझे सुनाएंगे पिकार्ड मेथड, सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं है पिकार्ड मेथड। इंटीग्रेशन x0 to x फिर अरे यार मैंने फॉर्मूला ही रफ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं,
चलिए भाई अभिषेक, आप मुझे एक बार ये वाला फॉर्मूला सुना दीजिए, रफ हो गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बताते जाइए, मैं लिखता जा रहा हूँ। हाँ, वाई एन प्लस वन, बहुत बढ़िया। हाँ, गुड गुड, बिल्कुल सही जवाब है। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। और अब मुझे बताओ कि जब यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एम इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, एन इक्वल टू जीरो। हाँ, तन यही होना चाहिए और साथ ही साथ मन भी यहीं पर होना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से ये रंगे कुट्टा मेथड कौन सुनाएगा? कीर्ति, आपसे होगी बात फेस टू फेस। रंगे कुट्टा मेथड के वन इक्वल टू एच प्लस, हाँ कौन सुनाएगा? हाँ ये देखिए प्रशांत भाई, बहुत बढ़िया प्रशांत, आजकल नहले पे दहला दे रहे हैं। हाँ प्रशांत प्लीज, के वन इक्वल टू पहले बताओ, ठीक है, फिर सही है। के थ्री बहुत बढ़िया, अति उत्तम। के फोर, बढ़िया, फिर उसमें के डेल्टा वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू 1/6 के वन प्लस 2K2, सही है, बढ़िया। और फिर डेल्टा वाई फॉरवर्ड ऑपरेटर के लिए एक फॉर्मूला वहाँ पर और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, y1 - y0, सही है। अगर सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए बढ़ा रहे होंगे तो डेल्टा वाई बदल जाएगा y2 - y1 में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिलाकर के चार मेथड पढ़ा है, चार के चारों मेथड आज की क्लास में क्या है, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये चार के चारों फॉर्मूलाज याद करा दिए जाएँ, ठीक है। इसे फोर्थ ऑर्डर सोल्यूशन भी बोलते हैं जो अपने पास रंगे कुट्टा मेथड चल रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। मिलनेस मेथड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मिलनेस मेथड की तरफ, मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड। तो देखो वहां पर तुमको शीट में देखने को मिल रहा होगा मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड। मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड। हाँ, यहां से हमको आउटपुट में क्या पता चलेगा मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड में? वाई एन प्लस वन इज टू क्या देखने को मिलेगा? वाई एन माइनस थ्री डैश, फिर 4/3 एच वाई डैश एन माइनस टू एन माइनस वन प्लस 2y-n, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वैल्यू जो यहाँ पर जो भी लिखी गई है ये सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो लीस्ट वैल्यू तुम दोगे n की, वो n की लीस्ट वैल्यू क्या दोगे? 3 दोगे। जैसे तुम 3 पुट करते हो तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिलता है? वाई फोर इसकस टू, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा वाई नॉट डैश, हाँ वाई एन माइनस, अच्छा, वाई नॉट प्लस 4/3 h। यहाँ से जब इसे पुट किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 पुट किया था तो यहाँ से वाई वन, फिर वाई टू, फिर वाई थ्री, ठीक है। इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझने की कोशिश करेंगे। ये ड्रॉबैक इसका ये होगा कि तुम जब भी वैल्यूज रखोगे तो तुमको 3 मतलब n इसका 3 से आउटपुट देना पड़ेगा, मतलब ये जो सिस्टम तुमको आउटपुट देगा 3 से देगा, तो तुमको 1, 2, 3 की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में खुद दी जाएंगी, नहीं समझे? इनिशियली हर क्वेश्चन में जहां कभी मिलनेस लग रहा होगा वहां पर तुम्हारे पास एक्स नॉट गिवेन होगा, एक्स वन गिवेन होगा, एक्स टू गिवेन होगा, तभी तो एक्स थ्री एन इक्वल्स टू थ्री पर एक्स थ्री जनरेट कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ना, एक्स एन इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एन एच। तो हमारे पास क्या क्या गिवेन होगा? एक्स नॉट गिवेन होगा, फिर एक्स वन गिवेन होगा, फिर एक्स टू गिवेन होगा, और फिर एक्स थ्री से जो है हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। आगे बढ़ा जाए तो ठीक है, क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल फिर पिक कर रहे हैं, और ये है पेज नंबर 202 212 पर, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 212 एग्जांपल नंबर 1, ठीक।
डी वाई बाई डी एक्स आपको मेंशन किया गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद कुछ और भी दिया जा रहा है, देखो उसमें वाई जीरो का मतलब ये हो गया कि एक्स नॉट तुमको दे रहा है कितना, जीरो, तो वाई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 2। फिर और कुछ दिया गया, वाई 0.5 का मतलब हुआ कि एक्स वन जो है वो 0.5 हो चुका है, सिक्स थ्री सिक्स। फिर बोलो, ये 1.0 3.595, कोई समस्या? तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है, एक और हमारे पास होगी 1.5 के लिए, हाँ क्या है, 4.968, कोई समस्या यहाँ तक? अब तुमसे वैल्यू पूछ रहा होगा वाई टू की, अगर यहाँ तक दिया गया तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि कॉमन गैप कितने का चल रहा है, 0.5 का चल रहा है, तो एच हमारे पास मिल जाता है, हमको एच तो पता चल गया 0.5 है। ये भैया ये जहाँ कहीं भी फॉर्मूला लगेगा तो ये टेबल हमेशा तुम्हारे पास होगी, बगैर इस टेबल के क्या है आप यहाँ पर फॉर्मूला वामला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसका सबसे पहला जो मिलनेस प्रेडिक्टर मेथड का जो सबसे पहला ड्रॉबैक आता है वो यही आता है, मेथड तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब इनिशियली चार वैल्यूज आपको क्या होंगी, कन्फर्म होंगी, और जब तक कन्फर्म ये नहीं हो पाएंगे तब तक आगे प्रेडिक्टर कुछ काम नहीं होगा, कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे, समझे कि नहीं समझे? प्रेडिक्ट वैसे भी तुम जानते हो, प्रेडिक्ट मतलब क्या है, प्रेडिक्ट मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी करना, अब तो भविष्यवाणी कैसे कर पाओगे, पिछला कुछ आउटपुट होगा तभी तो भविष्यवाणी कर पाओगे। अब आज के दिन देखो धूप जरा कम निकली हुई है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कल जो है वो हो सकता है कुछ कम धूप और निकले, पिछले दो दिन का डाटा देख करके तुम बता सकते हो भाई साहब, थोड़ा ही होगा कि कल के दिन सब लोग एकदम भाई साहब कपड़ा उतार के घूमने लगेंगे, एकदम जून जैसी गर्मी आ जाएगी, ऐसा होने लगेगा नहीं होगा, मेरी बात समझे ना? तो प्रेडिक्ट तो तभी कर पाओगे ना जब पिछला तुम्हारे पास क्या होगा, कुछ डाटा गिवन होगा, समझ रही है मानसी? तो यहाँ पर पिछला डाटा ये देखो हमारे पास गिवन है। आगे बढ़ा जाए, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर हम एक नया नाम देंगे, और जिसको हम नाम देंगे वाई डैश। डी वाई बाई डी एक्स को किस नाम से जानते हैं, वाई डैश के नाम से जानते हैं। 1/2 यहाँ से क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई, बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? इसी को हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाई एन डैश। तो 1/2 ये बनता है एक्स एन प्लस वाई एन, कोई समस्या? ये तुम्हारे पास सबसे पहला फंक्शन बनेगा, ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। और अखंड जो है हमें लगता है बोर हो रहे हैं, बार बार इनकी नजर जो है घड़ी की तरफ जा रही है, कोई समस्या है क्या, भूख भूख लगी है? अच्छा भूख लगी है, अरे अच्छा देखते हैं भाई अभी क्या कर सकते हैं, तत्काल इसको नोट करेंगे। और यहाँ से एन की वैल्यू अब क्या पुट करने जा रहे हैं, जीरो, जैसे एन की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, वाई नॉट डैश इज टू 1/2 एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू गिवेन है, 2 हो जाती है, माने यहाँ से 1 मिल जाता है। फिर यहाँ से देखो 1 हमने पुट कर दिया एन की वैल्यू, यहाँ से तुमको क्या देखने को मिलता है, 1/2 यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 1 1, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड करा दिया। अरे कैलकुलेटर ऑपरेट करो भाई, हाँ बोलो, 3 पॉइंट पूरा कैलकुलेट करने के बाद, पूरा कैलकुलेट करने के बाद, हाँ 1 पॉइंट, हाँ हाँ ये वाला बताओ, ये वाला क्या, 3.136, हाँ अब बोलो कैलकुलेट करने के बाद, 1.5668, हाँ बताएंगे भाई संदीप, एन की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो हमें क्या देखने को मिलता है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4.595, फिर बोलो जरा आगे, 9.2975, सही है। और फिर यहाँ से देखो y3 dash की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दिया, 6.468 डिवाइड करा दिया, 3.234, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या बोलो यहाँ से y4 dash की वैल्यू निकाल पाएंगे, कहाँ निकाल पाएंगे यार, y3 तक ही तो गिवेन है, कहाँ जनरेट कर पाएंगे, नहीं जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अब हमको क्या करना होगा, अब हम लोगों को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर मेंटेन है, इसमें जैसे ही हमने एन की वैल्यू को 3 पुट कर, देखो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो चुका है, वेल मेंटेन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नाउ यूजिंग मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला या मेथड, कुछ भी,
हाँ फॉर्मूला जो बनता है वो सभी को याद हुआ, वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री एच, फोर अपॉन थ्री एच इन साइड द ब्रेसेस टू एन माइनस टू डैश माइनस वाई एन माइनस वन डैश प्लस टू वाई एन डैश। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? सबसे पहले हमने क्या किया, एन इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया। जैसे ही हमने एन इक्वल्स टू जीरो पुट किया, हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, एन इक्वल्स टू जीरो के लिए हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ से, वाई फोर। नहीं 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 एन इक्वल्स टू थ्री पुट करेंगे। जैसे थ्री पुट करते हैं तो यहाँ से वाई नॉट प्लस का फोर अपॉन थ्री, एच की वैल्यू हमको टेबल से पता चल रही है 0.5 आ रही है, तो 0.5 और यहाँ से टू वाई, ये तुमको देखने को मिलेगा टू वाई वन डैश माइनस वाई टू डैश प्लस का टू वाई थ्री डैश। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन कर दी गई है टू है। भैया इन सबको कैलकुलेट करके बताते क्यों नहीं हो, पाँच चौके बीस तो दो बटे तीन, 2.0 क्या है यार, कोई मूवी थोड़ा ही है, 1.0 2.0 आगे देखा जाए। यहाँ पे देखते हैं y1 डैश की वैल्यू अपने पास जनरेट हुई है 2 इंटू 1.568 माइनस 2.2975 प्लस 2 इंटू 3.234। इसको कैलकुलेट करके बताओ तो जरा यहाँ से y4 की वैल्यू क्या जनरेट होगी, ये देखिए y4 की वैल्यू देख करके बताया, नहीं तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, ये बहुत गलत बात है। This is also a type of cheating. ये क्या है? ये भी एक प्रकार की क्या है? नकल है। नहीं ये लोग कहाँ वो कर रहे हैं? सब ये सारे बताइए, सब पागल हैं क्या? सब कैलकुलेटर चला रहे हैं, देखो सब लाइन से कैलकुलेटर चला रहे हैं। ये देखिए 6.871 ये जनरेट हुआ है क्या? ये जनरेट हुआ है क्या? वाई फोर हमको वैल्यू जिसकी चाहिए थी, सबकी अलग अलग आ रही है वैल्यू। जल्दी से यार कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 6.871 बुक में भी यही आ रहा है, ठीक है। यही आ रहा है, क्या आ रहा है? 2.09। सबका 2.091। यार ऐसा कैसे ही हो रहा है, सबके में अलग अलग क्यों आ रहा है? आ रहा है, ठीक है भैया। साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना अपने आप में कला होगी, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए, 6.871 ठीक है। अखंड ने पुष्टि की है वो भी वी आर साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहाँ पर अनूप और क्या बोलते हैं अभिनंदन ने पुष्टि की हुई है विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल कैलकुलेटर, और इधर से इन्होंने पुष्टि की हुई है कृतिका ने विद द हेल्प ऑफ द बुक। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ तो सभी लोगों ने उत्तर की पुष्टि कर दी है। हमको जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू चाहिए थी y टू की, मतलब x फोर इक्वल्स टू जब टू हो तो तुमसे पूछ रहा है कि y फोर की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो y फोर हमने निकाल लिया है, यहाँ तक कोई समस्या? अगर मान लेते हैं कि इसके आगे कुछ जनरेट करवाने के लिए कहेगा तो जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जैसे मान लेते हैं कि वो तुमसे कहता कि 2.5 की वैल्यू, तुमसे कहता 2.5 की वैल्यू क्या होगी, तो 2.5 पर पहुंचने के लिए देखो यार ये प्लाई पर लिख रहा है, ठीक है, तो 2.5 पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले y फोर चाहिए होगा ना, y4 ये मिल गया। अब जब ये y4 मिल गया तो यहां से अब फिर तुम इसको आगे रन कराओगे तो फिर y4 डैश बताओगे, ठीक, ये आउटपुट आया, फिर यहां से जनरेट करोगे x5 के लिए, तब फिर अगला जनरेट होगा। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए मेरी बात? कोई समस्या? हाँ अब इसमें वो ये तो प्रेडिक्ट किया हुआ है ना, तो अब इस प्रेडिक्ट करने के बाद में इसमें कुछ एरर भी तो होगा भाई, वो प्रेडिक्टेड है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू गेन करने के लिए फिर वहां पर करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है मिलनेस में, तो करेक्टर फॉर्मूला देखो उसी में आगे फिर देखो रन कराया गया है, और सीट में तुमको करेक्टर फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा। हालांकि अब उसमें कुछ आगे तुमको बहुत ज्यादा करना नहीं होता है, फॉर्मूला आपके पास मेंटेन है, सारी वैल्यूज आपके पास है, उसके अंदर उठा करके रख देना है, जैसे ही रखोगे वैसे देखो तुमको। हाँ बोलो, एक्स फोर जनरेट करोगे तो कहाँ पर, किसमें,
हाँ देखो जैसे जैसे ये बात एकदम सही है, जैसे अब हमने क्या किया, हमें वैल्यू चाहिए थी टू, ये पूछ रहा था आपसे वैल्यू पूछ रहा था टू टू के लिए, ठीक है, तो हमें हमने ये वाई फोर जनरेट किया, हमारा आंसर आ गया एक तो होगा। सपोज करो वैल्यू तुमसे पूछता 2.5 के लिए, तो ये 4 होता ये 5 होता, तो अब हमको क्या चाहिए, तो वाई फाइव तो तुमको अब तब मिलेगा ना जब इस फॉर्मूले के अंदर एन की वैल्यू 3 नहीं 4 रखेंगे, समझ गए मेरी बात, क्लियर। अरे कैसे नहीं निकालोगी, जब तक वाई फोर नहीं आएगा तो वाई फोर की वैल्यू यहाँ कैसे रखोगे, फिर यहाँ पर 4 जनरेट होगा ना वाई फोर डैश, तो वाई फोर डैश तो फिर तुमको यहाँ से मिलेगा, तो फिर वो सब पूरा पूरा एक नए सिरे से पूरा नई एल्गो शुरू हो जाएगी, मेरी बात समझ गए। ओफ ओफ, ये देखो ये फॉर्मूला बना दिया है, यहाँ पर एन की वैल्यू 4 रख दोगे तो ये y4 डैश तुम्हारे पास क्या आउटपुट देगा, y4 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 x4 प्लस y4, x4 की वैल्यू तो h कॉमन गैप गिवन होगा ना विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यहां से नहीं निकाल पाओगे x4, और ये y4 यहां से जनरेट हो चुका है, अब यहां से क्या करना है n की वैल्यू 4 पुट कर देना है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है कि तुमको आउटपुट देगा y5, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में नहीं करना है, ये जो इनका क्वेश्चन था इसी को मॉडिफाई करके बता दिया, इसमें ये नहीं जनरेट करवा रहा है, इसमें ये सिंपली आपसे y4 एक्चुअली वो y2 की वैल्यू जानना चाह रहा था, तो y2 तो मतलब x = 4 पर y = 4 जनरेट होगा, नहीं समझे, क्लियर, कोई समस्या। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, इसको अटेम्प्ट लेकर के आओगे कल की क्लास में, हम लोग फिर मिलते हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।